हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार टैक्सेशन अकाउंटिंग एचसी मल्होत्रा वाले में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ा रहे थे और लास्ट क्लास में हमने आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 तक खत्म कर दिया था। आज के क्लास में ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 खत्म करेंगे। एग्जाम्स आ रहा है, बहुत जरूरी है पढ़ना। चलिए टॉपिक को कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 दिख रहा है। चलिए इसे राइट डाउन कीजिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 13 नंबर और 14 नंबर बनाया है। आपका समझिएगा पहले बात को। आपको एक टर्म बताया थे अंडर सेक्शन 54F, ठीक है। यहाँ पे आपका हम बताए थे कि कैपिटल गेन दिया हुआ रहेगा, शेयर को बेचने से कैपिटल गेन होगा। और यहाँ पे एग्जेम्पशंस अमाउंट क्या है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको बताया था मैंने कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया शेयर को बेचने से, तो वहां पे एग्जेम्पशंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था 1.5 लाख का, तो एग्जेम्पशंस 54F शेयर को बेचने से यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ है, बेचा है 4 लाख में, लेकिन कैपिटल गेन आपका यहाँ पे कैपिटल गेन 1.5 लाख का हुआ है, ठीक है। तो एग्जेम्पशंस क्या हो जाएगा 54F के अंतर्गत 1.5 लाख जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इनटू आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पे दिया हुआ था 2,40,000 का, और यहां पे आपका नेट सेल्स वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 90,000, जो एग्जम्प्ट वैल्यू आ जाएगा। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आपका यहाँ पे 60,000 हो गया। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 कंप्लीट। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 में समझते हैं, 14 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। दो एसेट्स बेचा है, पहले मैं दूसरा वाला का ही बात करता हूँ। ज्वेलरी को बेचा था 6 लाख में, जो खरीदा था आपका 1,83,000 में 2006 में, 2006 में करेंट इंडेक्स वैल्यू किए, उसका वैल्यू 4,75,500 निकला, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले निकला 1,24,500 का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आगे उसी क्वेश्चन में आपका दूसरा दिया हुआ था, क्या पहला ऊपर में लिखा हुआ है कि शेयर को बेच रहा था, शेयर को बेचा है आपका मतलब करेंट ईयर में 80,000 में, और एक्विजिशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह शेयर खरीदा गया जस्ट आपका प्रीवियस ईयर में। देखिए यार, प्रीवियस ईयर और मतलब नेक्स्ट ईयर करेंट ईयर, इस तरीके से इसलिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आप जो बुक यूज कर रहे हैं उसमें ईयर अलग, क्योंकि टैक्स का बुक है तो हर साल ईयर चेंज होता है ना बच्चे, समझिएगा। तो कॉस्ट ऑफ शेयर आपका था यहाँ पे 22,300 का, 22,300 का, और जो यहाँ पे यह परचेज करे हैं 2019 में, तो यह निकाल दें डायरेक्ट, क्योंकि यार मतलब हम बताए थे कि यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 20 में परचेज किए, 21 में बेच दिया, तो 22,300 यहाँ माइनस कर देंगे हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका निकल गया 57,700 का। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 कंप्लीट हो गया, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 15 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 है, और 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए राइट डाउन कर लीजिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 15 और 16 नंबर एग्जाम बेस्ड है यार, मन से पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे 15 नंबर और 16 नंबर मैंने यहाँ पे बना दिया, ध्यान दीजिएगा। बात करें यहाँ पे ज्वेलरी को बेचा था 12,10,000 में, ठीक है, और ब्रोकरेज ऑन सेल आपका 10,000 का दिया हुआ था। नेट सेल्स हो गया यहाँ पे 12 लाख का, नेट सेल्स कितना हो गया 12 लाख का, लेकिन यह एक्विजिशन किया था आपका 2,18,000 का, करेंट इंडेक्स वैल्यू से निकाल दिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6,34,000 निकला, क्लियर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,66,000 का हो गया, लेकिन इन्होंने एग्जेम्पशंस अंडर 54F के अनुसार से इन्वेस्ट किया, तो इनका एग्जेम्पशंस अमाउंट कितना होगा, जितना का नया एसेट्स परचेज किए हैं इनटू कैपिटल गेन और डिवाइडेड बाय सेल्स प्रोसीड्स, नेट सेल्स प्रोसीड्स वैल्यू जो था वो लिखा है, एग्जेम्पशंस निकल गया 2,83,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनका टैक्सेबल वाला 2,83,000 आ गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व हो गया। चलिए 16 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें यहाँ पे गोल्ड बेचा जा रहा है, 31,15,000 में गोल्ड बेचा जा रहा था,
ब्रोकरेज दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 15,000, नेट सेल्स आपका निकल गया 31 लाख, नेट सेल्स कितना निकल गया 31 लाख का नेट सेल्स निकल गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करें 6,10,000 का खरीदा था, करेंट इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर जो है दिया हुआ यहाँ पे 15,85,000, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया 15,15,000 का। और यह जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना, यह ज्यादा वैल्यू था आपका कैपिटल गेन से, ज्यादा वैल्यू का एसेट्स का था, इस कारण से यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। और नया एसेट जो खरीदा उसको वापस रिसोल्ड मतलब सोल्ड कर दिया 37 लाख का, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसका 35 लाख का, 35 लाख का था, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनका 2 लाख का हो गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 तक मैंने बनाया, चलिए 17 और 18 में चलते, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 और 18 दिख रहा है, 17 और 18 सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम बेस्ड है, जरूरी है, चलिए सॉल्व करते से, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, सेल्स प्रोसीड्स दिया होता प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग अलग अलग दिया होता 3 एसेट्स, और एसेट से यहाँ WDV वैल्यू भी दिया हुआ था, और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू भी कुछ में दिया होता, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। बात करें प्लांट एंड मशीनरी में WDV वैल्यू दिया हुआ था 4,40,000 का, तो यहाँ पे इसका कैपिटल गेन 5,60,000 का हो गया, और नया एसेट्स परचेज कराया 8 लाख का, तो यहाँ पे इसका कैपिटल गेन नील हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल कैपिटल गेन नील हो जाएगा। लैंड वाले में 12 लाख का सेल्स प्रोसीड्स था, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ था आपका 3 लाख का, तो करेंट वैल्यू इंडेक्स किए तो 9,51,000 आया, जो मैंने यहाँ पे माइनस करा, तो यहाँ पे कैपिटल गेन निकल गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,49,000 का, लेकिन 4 लाख का नया एसेट परचेज करा था, तो यहाँ भी आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन नील हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग वाले में बात करें तो बिल्डिंग यहाँ पे 12 लाख का बेचा है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और WDV वैल्यू घटा हुआ वैल्यू भी दिया होता, तो वहां पे उस केस में WDV वाले वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे 7,32,000 का, तो यह निकल गया आपका 4,67,500, और यहाँ पे जो नया एसेट परचेज कराया वह 5 लाख का परचेज कराया, तो यह आपका यहाँ भी टैक्सेबल गेन नील हो जाएगा। यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में 18 से 23 तक बताऊंगा, एग्जाम बेस्ड लेके चल रहा हूं यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को बताएं, और लग रहा है हेल्पफुल है चैनल तो सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद, बाय।